नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लिक्स नाइन स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। होली का त्योहार रंगों का त्योहार होता है। होली की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। जब भी आप इस वीडियो को देखें, बता दें कि होली की त्योहार जो होता है वो रंगों का त्योहार होता है और आप सभी दर्शकों को जब भी ये वीडियो देखें होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का त्योहार प्रहलाद और होलिका की कथा से भी जुड़ा हुआ है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप नास्तिक थे। वह चाहते थे कि उनका पुत्र भगवान नारायण की आराधना छोड़ दे, परंतु प्रहलाद इस बात के लिए तैयार नहीं था। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद के साथ आग में बैठने को कहा। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी, परंतु होलिका का ये वरदान उस समय समाप्त हो गया जब उसने भगवान भक्त प्रहलाद का वध करने का प्रयत्न किया। होलिका अग्नि में जल गई, परंतु नारायण की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। होलिका त्योहार कई पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। इनमें कामदेव, प्रहलाद और पूतना की कहानियां प्रमुख है। प्रत्येक कहानी के अंत में सत्य की विजय होती है और राक्षसी प्रवृत्तियों का अंत होता है। पहली कहानी शिव और पार्वती की है। हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान शिव से हो जाए, पर शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे। कामदेव पार्वती की सहायता को आए, उन्होंने प्रेम बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिव जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनके क्रोध की ज्वाला में कामदेव का शरीर भस्म हो गया। फिर शिव जी ने पार्वती को देखा। पार्वती की आराधना सफल हुई और शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। होली का त्योहार प्रहलाद और होलिका की कथा से भी जुड़ा हुआ है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप नास्तिक थे। वह चाहते थे कि उनका पुत्र भगवान नारायण की आराधना छोड़ दे, परंतु प्रहलाद इस बात के लिए तैयार नहीं था। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद के साथ आग में बैठने को कहा। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी, परंतु होलिका का यह वरदान उस समय समाप्त हो गया जब उसने भगवान भक्त प्रहलाद का वध करने का प्रयत्न किया। होलिका अग्नि में जल गई, परंतु नारायण की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। कुछ लोग इस उत्सव का संबंध भगवान कृष्ण से मानते हैं। राक्षसी पूतना एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर बालक कृष्ण के पास गई। वह उनको अपना जहरीला दूध पिलाकर मारना चाहती थी। दूध के साथ साथ बालक कृष्ण ने उसके प्राण भी ले लिए। कहते हैं मृत्यु के पश्चात पूतना का शरीर लुप्त हो गया, इसलिए वालों ने उसका पुतला बनाकर जला डाला। मथुरा तब से होली का प्रमुख केंद्र है। होली का त्योहार राधा और कृष्ण की पावन प्रेम कहानी से भी जुड़ा हुआ है। वसंत के सुंदर मौसम में एक दूसरे पर रंग डालना उनकी लीला का एक अंग माना गया है। वृंदावन की होली राधा और कृष्ण की इसी रंग में डूबी हुई होती है। बता दें कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।